YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टमाटर की हरी मिर्च की चटनी बनाना। ये एक टमाटर ले लिया हमने फ्रेश, एक प्याज ले लिया इसको छील दिया, और ये पांच चार मिर्ची ले ली, आधा चम्मच नमक और ये कस्तूरी मेथी। अभी हमारे पास ये पत्थर है, अभी हम इस पर नमक डाल देते हैं और ये मिर्ची डाल देते हैं। अभी हम इसको पहले पीस लेंगे, बारीकी से पीस देंगे। इसमें एक चम्मच पानी ऐड कर देंगे। अभी हमने इसमें एक चम्मच पानी डाल दिया है, अभी हम इसको पीस देंगे। अभी हमने पीस दिया है, अभी हम इसमें ये मेथी ऐड कर देंगे और उसके साथ साथ ये टमाटर इसमें बारीक कट कर देंगे। अभी हमने बारीक कट कर लिया है, अभी हम इसको पीस देते हैं इसके अंदर। अभी हमने टमाटर इसमें बारीक पीस दिया है, अभी हम एक प्याज बारीक बारीक में कटिंग कर देते हैं, फिर इसको भी हम पीस देंगे। अभी हमने इसको कटिंग कर दिया है, अभी हम इसको पीस देते हैं। अभी हमने इसको पीस दिया, अभी हम इसको एक बर्तन में उतार लेते हैं। अभी हमने पतीला ले लिया, इसमें हम एक चम्मच देसी घी डाल देते हैं, इसको गर्म होने तक रखते हैं। अभी हमारा घी गर्म हो गया है, अभी हम इसमें ये चटनी डालते हैं। अभी हमारी ये चटनी तैयार है, अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी हमारी चटनी तैयार है, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो और चावल के साथ भी खा सकते हो, और बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना।